मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 6 पार्ट 2। हम पढ़ेंगे आज, स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। द केमिकल चेंज इन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी चीज़ के केमिकल चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट रिमेन इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब रिएक्शन में के जितने मास रिएक्टेंट्स में होंगे उतने मास प्रोडक्ट में भी होंगे। अब देखिए ये इसके एग्जांपल आप देख लीजिए, C+O2CO2। ये देखिए C+O2CO2। तो CO2 में आप देखते हैं रिएक्टेंट्स में क्या है, C+O2। तो सी कार्बन के मास नंबर होते हैं 12। कितने होते हैं 12। तो मास नंबर कार्बन के 12, इधर 12 हो गया। ऑक्सीजन के मास नंबर होते हैं 16। तो 16, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, O2 है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो बन जाते हैं। तो ये देखिए अब 12 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 होते हैं 32। 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 44। क्या हो जाता है, 44। अब हम प्रोडक्ट में देखेंगे, सी कार्बन 12 और ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32, और 32 प्लस 12 44। दोनों के मतलब प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दोनों के मास क्या हो गया, 44। इसके मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मास सेम होते हैं। अब आते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब आप जानते हो, एक क्लास में भी पढ़ चुके हो, एडिशन रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट मोर टू और मोर देन टू, दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हो लेकिन प्रोडक्ट वन होता है। जैसे हम इसको एडिशन रिएक्शन इसलिए कहा जाता है, कम्बिनेशन रिएक्शन इसलिए कहा जाता है, जैसे ऐड करने के लिए भी हमें कम से कम दो डिजिट की ज़रूरत होते हैं। जैसे आप 7 के साथ कुछ ना रहे तो आप 7 के साथ जुड़ो क्या, तो इसीलिए 7 के पास साथ अगर दूसरा कोई डिजिट जैसे 2 जोड़ देते हो, तो इसमें मतलब क्या है, कम से कम दो डिजिट ऐड करने के लिए ज़रूरत होते हैं, और दो से ज़्यादा भी हो सकता है, और प्रोडक्ट मतलब आंसर आपके एक ही आता है। तो इसके मतलब क्या है, रिएक्टेंट टू और मोर देन टू प्रोडक्ट इज वन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दैट इज C+O2CO2 दो रिएक्टेंट प्रोडक्ट वन, Mg+O2 2MgO, अब हाइड्रोजिनेशन CH2 इथीन प्लस हाइड्रोजन, और उसको बाद निकल और 473 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, 100 एटमोस्फेरिक प्रेशर, CH3 मतलब मीथेन, इथेन इथीन से इथेन, डबल वन से सिंगल वन बन जाता है। रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट डिस्प्लेस एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अदर रिएक्टेंट्स। मतलब जो रिएक्शन में रिएक्टेंट्स में जो एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, वो दूसरे जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसके एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स के मतलब डिस्प्लेस कर देता है, चेंजेस कर देता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे CuSO4 प्लस ZN, तो ZnSO4 प्लस Cu मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को जिंक अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिंक जो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कॉपर के बहुत ऊपर आता है, जिसके रिएक्शन जैसे रिएक्टिविटी आप सीरीज देखिए, इसमें पोटेशियम सबसे ऊपर सबसे हाईली रिएक्टिव होता है, उसके बाद सोडियम। बाहर निकालते ही इन लोग क्या करते हैं, ज़्यादा रिएक्ट कर बैठते हैं। तो पोटेशियम सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, इसके मतलब क्या, पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन सोडियम पोटेशियम को कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होते हैं वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करा सकते हैं इसके कंपाउंड से, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले के कंपाउंड से नहीं करवा सकते। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको अगर आप लर्न कर लेते हो तो आराम से ये आंसर दे सकते हो। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एटम्स ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड आर डिस्प्लेस। मतलब रिएक्टेंट्स में मतलब दो हैं, तो दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है एक रिएक्शन में, दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक ही डिस्प्लेस नहीं हो रहा, दूसरा भी डिस्प्लेस हो रहा है। तो CuSO4 प्लस 2Na विच CuOH2, CuOH के साथ जुड़ के CuOH2 होता है, और NaSO4 के साथ जुड़ के Na2SO4 होता है। तो एक दूसरे कॉपर एंड सोडियम ये सारे एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं।
AgNO3 KCl, AgCl प्लस KNO3, AgCl हो जाता है, Ag के साथ क्लोरीन जुड़ जाते हैं, AgCl हो जाता है और KNO3 बन जाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल, डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन की रिएक्शन किसे कहा जाता है? ब्रेकडाउन होने को हम डिसोसिएशन कहते हैं। वन रिएक्टेंट प्रोडक्ट टू एंड मोर देन टू, अपोजिट टू एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब रिएक्टेंट टू और मोर देन टू प्रोडक्ट वन, यहाँ मतलब रिएक्टेंट वन प्रोडक्ट टू और मोर देन टू। वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने को हम कहते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। इसमें मतलब कुछ कुछ चीज़ ज़रूरत होता है, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर एंड इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोसिएशन रिएक्शन। क्या क्या चाहिए? टेम्परेचर, प्रेशर एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस रिएक्शन आर थ्री टाइप्स, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, थर्मल डिसोसिएशन, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन किसे कहा? इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रिक करेंट इज मेड टू फ्लो इन लिक्विड स्टेट ऑफ एनी कंपाउंड। मतलब इन रिएक्शन में क्या चाहिए? डिसोसिएट होने के लिए मतलब ब्रेक डाउन होने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिक करंट अगर इसके कोई भी सोल्यूशन के अंदर से फ्लो क्या करवाया जाए तो ये क्या है? डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे 2H2O इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओ, 2H2 प्लस O2, 2H2O उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पर 2H2 प्लस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में बदल जाते हैं, वाटर। अब थर्मल डिसोसिएशन, इन दिस डिसोसिएशन हीट इज रिक्वायर्ड। ये डिसोसिएशन में क्या चाहिए? हीट चाहिए। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग को कितने डिग्री टेम्परेचर में? 473 डिग्री टेम्परेचर। देखिए ऑन हीटिंग 473 डिग्री केल्विन बनते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CaCO3 ऑन हीटिंग 473 डिग्री केल्विन बनते हैं CaO प्लस CO2। ठीक है, अंडरस्टैंड? ये है थर्मल डिसोसिएशन। क्या डिसोसिएशन? थर्मल डिसोसिएशन। फोटोलाइटिक डिसोसिएशन, फोटो लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन। तो क्या चाहिए? लाइट एनर्जी चाहिए ब्रेक डाउन के लिए। तो 2HBr लाइट, UV और HB लाइट चाहिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड को, टुकड़े होके क्या बनता है? हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन H2 प्लस Br2। तो ये होता है फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। अब फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन मतलब दिस रिएक्शन आकर रैपिडली ऑन मिक्सिंग द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट मिक्सिंग मिक्स करते ही रिएक्शन चालू, दैट इज कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए बहुत जल्दी रिएक्शन होते हैं। NaCl मतलब हमारे जो कॉमन सॉल्ट बनने में टाइम नहीं लगता, तो 10^10 सेकेंड्स चाहिए इसके लिए। तो आपको हमेशा याद रखना, जब आप फास्ट रिएक्शन लिखोगे, अगर आप जानते हो टाइमिंग तो यू शुड मेंशन द टाइम। जैसे NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O 10^-10 दैट इज सेकेंड्स लगते हैं। AgNO3 प्लस HCl, AgCl प्लस HNO3। अब आते हैं दैट इज स्पीड ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट। फोटोसिंथेसिस मतलब जो प्लांट्स जो फूड बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी बहुत जल्दी होता है। हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इज 10^-12 सेकेंड्स में होता है। हाफ लाइफ मतलब आधा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बदल जाना, आधा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बदल जाना मतलब वाटर एंड मिनरल्स, सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर एंड मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब स्टार्च में मतलब ग्लूकोज में बदल जाना, आधे हिस्से बदल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन वेरी फास्ट। द टाइम टेकन कितने होता है? 10^-12। द हाफ ऑफ द रिएक्टेंस टू कन्वर्ट इन टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। समझ में आ गया? अब स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन मतलब देर आर मेनी रिएक्शन विच टेक्स आवर्स, डेज, ईयर्स टू कम्प्लीट दिस। बहुत सारे जो रिएक्शन होता है बहुत टाइम लगता है, कभी एक दिन लग जाता है या कभी भी ईयर्स लगता है, डेज मतलब आवर्स लगते हैं, डेज लगते हैं। ये सारे जो ज़्यादा टाइम के जो चीज़ है उसको कहते हैं स्लो रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन को रस्ट लगने में बहुत टाइम लगता है। 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2O
ये चीज़ होते हैं, 4 Fe आयरन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए एंड वाटर चाहिए रस्टिंग होने के लिए, 2 Fe2O3 प्लस 2 Fe2O3 0.3 H2O। ये 0.3 H2O याद रखना, ये जो चीज़ पॉइंट जो 3 H2O होते हैं, ये पॉइंट क्या आप लास्ट चैप्टर मतलब 5 चैप्टर में जानते हो, 0.3 H2O मतलब क्रिस्टल फॉर्म में रहता है वाटर, है ना। इसके फार्मूला रस्ट के फार्मूला 2 Fe2O3 3 H2O होता है, 2 KClO3 हीट लगता है, 2 KCl + O2 ये भी क्या होता है, स्लो रिएक्शन होता है। CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH इथानॉल जिसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं, CH3COOC2H5 + H2O दैट इज इथाइल एसिटेट बनते हैं, लेकिन ये भी स्लो रिएक्शन के एग्जांपल है, ठीक है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल जल्दी से बोल देती हूँ, इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट अकर्स इन वन डायरेक्शन, मतलब रिएक्टेंट इरिवर्सिबल मतलब रिवर्सिबल नहीं है, एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन से प्रोडक्ट ही होंगे, प्रोडक्ट से रिएक्शन नहीं होते, रिएक्टेंट्स नहीं बनते। C+O2 CO2 वन डायरेक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब बोथ डायरेक्शन, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना। तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट अंडर सम कंडीशन सेम एंड सेम टाइम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट आर फॉर्म इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जाम्पल A+B C+D, तो C+D से फिर से A+B बनते हैं, N2+3H2 2NH3 रिवर्सिबल साइन आप जानते हो कैसा है, दैट इज कैरिंग ऑफ द CO2 and O2 बाई हीमोग्लोबिन, हमारे जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो कैरी करते हैं कौन, दैट इज ब्लड हीमोग्लोबिन कैरिंग, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। अंडरस्टैंड, दिस इज दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर इज फिनिश, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर यू विल वॉच ऑन माई नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।